आइए आपको लेकर चलते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ है, लेकिन उससे पहले यहाँ की जानकारी हम आपको दे दें। ये स्तूप भगवान बुद्ध के पार्थिव अवशेष पर बने 8 मौलिक स्तूपों में से एक है। बौद्ध मान्यता के अनुसार बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात कुशीनगर के मल्लों द्वारा उनके शरीर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया तथा अस्थि अवशेष को 8 भागों में बांटा गया, जिसमें से एक भाग वैशाली के लिच्छवियों को भी मिला था। शेष 7 भाग मगध नरेश अजातशत्रु कपिलवस्तु के शाक्य अलकप के बुली रामग्राम के कोलिये वेठ द्वीप के एक ब्राह्मण तथा पावा एवं कुशीनगर के मुल्लों को प्राप्त हुए थे। मूलतः यह 5वीं शती के क्षति ईसा पूर्व में निर्मित 8.07 मीटर व्यास वाला मिट्टी का एक छोटा सा स्तूप था। मौर्य शुंग व कुषाण कालों में पकी ईंटों से आच्छादित करके 4 चरणों में इसका परिवर्धन किया गया, जिससे स्तूप का व्यास बढ़कर लगभग 12 मीटर हो गया। स्तूप के पूर्वी व दक्षिणी भाग में निर्मित आयक संभवतः अब तक प्राप्त आयक पट्टों के प्राचीनतम उदाहरण हैं। इस स्तूप का उत्खनन काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान द्वारा 1958 ईस्वी में किया गया था। उत्खनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि केंद्र के निकट मिली एक प्रस्तर मज्जुषा है, जिसमें राख युक्त मिट्टी के अतिरिक्त एक कौड़ी कांच के 2 सपा के सोने की पत्ती का टुकड़ा तथा तांबे की एक आहत मुद्रा प्राप्त हुई है। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं कि ये स्तूप देखने में कैसा है। चारों तरफ बाग है, बगीचा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इन बगीचा गार्डन के बीच में ये स्तूप है। एक अच्छा सा महसूस हो रहा है यहाँ पे, मन को एक अच्छी अनुभूति मिल रही है। और बस आ रहे बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। तो ये है ¿Qué pasa?